इंसान जितना बड़ा नज़र आता है बड़ी बड़ी बातों में, काश उतना ही नेक होता अपनी नीयत और इरादों में। हम जिन्हें अपना समझकर सब बोल जाते हैं, पता नहीं क्यों वही हमें अकेला छोड़ जाते हैं। यही तो है खासियत जिंदगी की, कर्ज वो भी चुकाने पड़ते हैं जो कभी लिए ही नहीं। जिंदगी गुजरने लगी है अब तो किस्तों पर, ये कुछ ग्राम का मोबाइल भारी पड़ गया है रिश्तों पर। माफ़ी मांगने से कभी ये साबित नहीं होता कि हम गलत और वो सही हैं। माफ़ी का असली मतलब है कि हम में रिश्ते निभाने की काबिलियत उनसे ज़्यादा है। तारीफ किए बिना कोई खुश होता नहीं और झूठ बोले बिना किसी की तारीफ होती नहीं। वो करीब ही ना आए तो इजहार क्या करते, खुद बने निशाना तो शिकार क्या करते। मर गए पर खुली रखी आंखें, इससे ज़्यादा किसी का इंतज़ार क्या करते। बीमारी खरगोश की तरह आती है और कछुए की तरह जाती है, जबकि पैसा कछुए की तरह आता है और खरगोश की तरह जाता है। लोगों का क्या है, वो तो कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं। जब हालात बदलते हैं तो लोगों के बोल भी बदल जाते हैं। कुछ लोग आंसुओं की तरह होते हैं, पता ही नहीं चलता साथ दे रहे हैं या साथ छोड़ रहे हैं। अधिक दूर देखने की चाहत में बहुत कुछ पास से गुजर जाता है। लोगों को भरपूर सम्मान दीजिए, इसलिए नहीं कि ये उनका अधिकार है, बल्कि इसलिए कि आप में संस्कार है। लोग कहते हैं कि किसी के चले जाने से जिंदगी अधूरी नहीं होती, मगर ये भी सच है कि लाखों मिल जाने से उस शख्स की कमी पूरी नहीं होती। पेट में गया जहर सिर्फ एक व्यक्ति को मारता है और कान में गया जहर सैकड़ों रिश्तों को मारता है। परिंदे शुक्रगुजार है पतझर के भी साहब, इनके कहाँ से लाते अगर हमेशा बहार ही रहती। इंसान के खामोशी को समझना सीखो, बातों को नहीं, क्योंकि एक बात के तो हजारों मतलब होते हैं। जब इंसान नए लोगों से मिलता है तो पुराने लोगों को भूल जाता है, लेकिन जब नया इंसान दिल दुखाता है तो याद पुराने ही आते हैं। अक्सर गलत इंसान पे भरोसा करने के बाद ही सही इंसान को पहचानने की समझ आती है। जब किसी का दोगला चेहरा सामने आता है ना सचमुच, तब उस पर नहीं अपने आप पर गुस्सा आता है। जिंदगी को कभी तो खुला छोड़ दो, क्योंकि बहुत संभाल कर रखी चीज वक्त पर नहीं मिलती। जिंदगी हमें कई बेहतरीन दोस्त दे सकती है, लेकिन सच्चे दोस्त हमें बेहतरीन जिंदगी दे सकते हैं। एक साथ चार कंधे देखकर मुर्दे के मन में एक विचार आया, एक ही काफी था अगर जीते जी सहारा मिला होता। जीना है तो उस दीपक की तरह जियो जो बादशाह के महल में भी उतनी ही रोशनी देता है जितनी किसी गरीब की झोपड़ी में। कहीं जिद पूरी, कहीं जरूरत भी अधूरी, कहीं सुगंध भी नहीं, कहीं पूरा जीवन कस्तूरी। मृत्यु के बाद यही है करवा सच, पत्नी मकान तक, समाज शमशान तक, पुत्र अग्निदान तक, और केवल आपके कर्म भगवान तक। गलत होकर खुद को सही साबित करना उतना मुश्किल नहीं जितना सही होकर खुद को सही साबित करना। एक वक्त था जब घर में उजाला करने के लिए दिया जलाते थे, अब दिया दिखाने के लिए घर में अंधेरा किया करते हैं। चुभता तो बहुत कुछ है मुझको भी तीर की तरह, मगर खामोश रहता हूँ मैं अपनी तकदीर की तरह। छोटी छोटी खुशियाँ ही तो जीने का सहारा बनती है, ख्वाहिशों का क्या है, वो तो पल पल बदलती है। प्रेम से रहो दोस्तों, जरा जरा सी बात पर रूठा नहीं करते, पत्ते वही सुंदर दिखते हैं जो साख से टूटा नहीं करते। समझदार एक मैं हूँ बाकी सब नादान, बस इसी भ्रम में घूम रहा आजकल हर इंसान। रात नहीं होगी तो सुबह का महत्व ही नहीं होगा, दुख के बादल नहीं आएंगे तो सुख का अनुभव ही नहीं होगा। तुमसे बिछड़े तो मालूम हुआ कि मौत भी कोई चीज है,
जिंदगी तो वो थी जो हम तेरी महफिल में गुजार आए। दरिया बनकर किसी को डुबाना बहुत आसान है, मगर जड़िया बनकर किसी को बचाए तो कोई बात है। काश आपकी सूरत इतनी प्यारी ना होती, काश आपसे मुलाकात हमारी ना होती। सपनों में ही देख लेते हम आपको, तो आज मिलने की इतनी बेकरारी ना होती। गलत फहमी का एक पल इतना जहरीला होता है, जो प्यार भरे 100 लम्हों को एक पल में भुला देता है। अहंकार दिखाकर किसी रिश्ते को तोड़ने से बेहतर है कि माफ़ी मांगकर रिश्ते को दिल से निभाया जाए। तू दूर है मुझसे और पास भी है, तेरे कमी का एहसास भी है। दोस्त हमारे लाखों हैं इस जहां में, पर तू प्यारा भी है और ख़ास भी है। हर बात पर तुम्हारी जो झूठी वाह वाह करेंगे, देख लेना एक दिन वही तुम्हें तबाह करेंगे। मौका देने वालों को धोखा और धोखा देने वालों को मौका कभी भी नहीं देना चाहिए।